हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास नाइन्थ का पोयम जिसका नाम है द स्नैक ड्राइंग। ठीक है, अब ये हमारे एनसीईआरटी पैटर्न्स और जो हमारे यूपी बोर्ड वाले हैं ना, उनके लिए भी है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही इसे कर सकते हैं। तो हमारा जो ये पोयम है द स्नैक ड्राइंग, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब होता है सांप कोशिश कर रहा है। अब सांप किस चीज़ का कोशिश कर रहा है, आप लोग ये सोच रहे होंगे, तो चलिए मैं बताती हूँ। मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ स्नैक्स एज फियरसम सिंबल्स ऑफ दैट, बट द स्नैक इन दिस पोएम इज इट सेल्फ इफेक्टिव। अब देखो, यहाँ पे हमारे पोइट कहते हैं ना कि सबसे पहले ज़्यादातर लोग, हम में से ज़्यादातर लोग ना, जब भी सांप को देखते हैं ना, तो एक डरावना सा फील होता है उन्हें देखकर। ठीक है, और हम अपने माइंड में ना डायरेक्ट ये चीज़ को सोच लेते हैं, हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ दिखता है कि मौत है ना, सिर्फ डेथ दिखता है हमारा। तो वो एक सिंबल हो जाता है, डेथ का सिंबल, कि हमने हमने सांप को देखा, अब सांप मुझे काटेगा, अब मैं मर जाऊंगा। तो वो एक सिंबल हो जाता है डेथ का। ठीक है, बट इस पोएम में बहुत ज़्यादा ऑपोजिट है, हम जो भी सोचते हैं ना, उसके एकदम ऑपोजिट है। तो इस पोएम में हमारे जो सांप है ना, वो खुद शिकार है, वो खुद विक्टिम है किसी के। ठीक है, तो सबसे पहले पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताऊंगी कि इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, मैसेज क्या देना चाहते हैं हमारे जो पोइट। तो हमारे जो ये पोइट है WWE रोस, ठीक है, ये कहते हैं कि जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं, स्नैक्स होते हैं, जो भी, ठीक है, वो लोग ना, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आपको अगर वो देखे ना तो वो नुकसान ही पहुँचाएंगे। सब ऐसे नहीं होते, जैसे कि ह्यूमंस होते हैं ना, ह्यूमंस भी तो सारे एक नहीं होते हैं, है ना। हमारे हाथ में 5 फिंगर्स होते हैं, हमारे 5 फिंगर्स भी तो सेम नहीं होते, कोई छोटे कोई कोई बड़े, ऐसे होते हैं ना, सारे के सारे तो सेम नहीं होते। तो वही पोइट कहना चाहते हैं कि सांप भी तो है ना, ज़रूरी नहीं है कि हर सांप आपको नुकसान ही पहुँचाए, ज़रूरी नहीं है कि हर सांप आपको हार्मलेस ही पहुँचाए। ठीक है, वो कहते हैं कि हम लोग बिना मतलब का किसी को, किसी भी सांप को देख लेते तो उसे मारने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा मत करो। जब तक वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, तब तक आप उसे देखकर मत मारो। ठीक है, उसकी जान मत लो आप, क्योंकि वो आपको कुछ नहीं कर रहा है। और सांप भी आपको तभी कुछ करेगा जब उसे ऐसा लगेगा कि ये शायद मुझे मार देगा, या ऐसा कुछ फील होगा, तभी वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। या मान लो कि उसके पोछ में आप, उसका जो बॉडी होते हैं, कहीं भी आपका पैर लग गया हो या कुछ भी लग गया हो, तो उसे एक फील होता है ना कि शायद ये इंसान मुझे हार्म करेगा, तो इसलिए वो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। बट अगर आप उसे कुछ करे ही ना, एकदम शांत रहे, आप उसे देख कर मूव ही ना करें, तो वो आपको कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वो तुरंत वहीं से चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो पोइट है वो यही मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसे ही किसी भी सांप को देखकर आप लोग तुरंत मत मारो, क्योंकि कोई भी सांप आपको बिना मतलब का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब ये नहीं है कि आप नाग नागिन को देख लो और उसे मारो मत, या वो मत करो, उसके सामने खड़े रहो, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको पता है, इतना भी आपको पता है कि कौन सा सांप आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है ना, तो कोई भी सांप को देखकर बस आप ये मत सोचो कि वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। बस अपना खुद का माइंड चलाओ कि हाँ, शायद ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, ये नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, हर सांप को देखकर आप ऐसे मारो मत। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द पर्सुइंग स्टिक विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिंग लॉन्ग बॉडी। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड है ट्राइंग। ट्राइंग का मतलब होता है कोशिश करना, एस्केप का मतलब होता है निकास या एग्जिट। ठीक है, परस्विंग का मतलब होता है पीछा करना, उसके बाद में स्टिक का मतलब तो पता है आप लोगों को, छड़ी। ठीक है, उसके बाद सडन का मतलब होता है अचानक, कर्विंग्स का मतलब होता है मोड़ना, मुड़ना, टर्न करना। तो चलिए, हमारे जो ये पॉइंट है, हमारे पॉइंट कहते हैं ना कि एक स्नेक था, एक सांप था, ठीक है, जिसके पीछे ना कोई आदमी पड़ा हुआ था, क्या लेकर, स्टिक लेकर, क्यों, उसे मारने के लिए। अब मान लो फॉर एग्जांपल, कोई एक आदमी है, वो कहीं जा रहा है, उसने सांप को देख लिया। ठीक है, अब उसे देख लिया ना, तो तुरंत क्या ले लिया, अपने हाथ में स्टिक ले लिया, क्या, अरे मैंने सांप देख लिया, वो मुझे मार डालेगा, तो इससे पहले क्यों ना मैं ही उसे मार डालूँ, है ना। तो वो स्टिक लेकर वो सांप के पीछे चला गया। ठीक है, तो अब ना सांप क्या करते हैं, अपने लंबी जो बॉडी है, ठीक है, उससे ना वो अपने बॉडी को कर्विंग करता है, मतलब अपने बॉडी को ना मोड़ता है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, देखो सांप इस तरह से ऐसे ऐसे चल जाता है ना, है ना। तो अब जब वो ऐसा मोड़ता है ना अपनी बॉडी को, ठीक है, तो उसे ही हम लोग कर्विंग्स कहते हैं। ठीक है, तो सांप था जिसके पीछे कौन परा हुआ था, एक आदमी परा हुआ था।
अब वो आदमी क्या लिया हुआ था, एक स्टिक लिया हुआ था। क्यों? क्योंकि वो सांप को मारना चाहता था। कहीं ना कहीं वो आदमी को लगा हुआ कि ये सांप है तो ये मुझे मार डालेगा, मैं ही मार डालता हूँ, है ना। तो वो अपने आप को, सांप अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करता है, वो अपनी लंबी बॉडी से अपने आप को मोड़ता है और भागता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि क्या कहते हैं। हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज स्टेप्स, ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक। यहाँ पे वर्ड है ब्यूटीफुल का, मतलब आप लोगों को पता है ना, खूबसूरत। ठीक है, उसके बाद है सेप्स। सेप्स का मतलब होता है आकार। ग्लाइड्स का मतलब होता है सरकना। थ्रो का मतलब होता है मध्यम से। स्ट्रोक का मतलब होता है हाथ फेरना। ठीक है, तो हमारे जो ये पॉइंट है ना, वो क्या कहते हैं कि देखो, जब ना वो सांप है अपनी लंबी बॉडी से मोड़ते हुए जब भागता है तो वो कितना खूबसूरत लगता है। देखो तो जब वो ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे जब वो इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, अपने बॉडी को कर्विंग कर रहा है, मूव कर रहा है, अब तो उस वक्त उसे देखने में अलग ही खूबसूरत लगता है। ठीक है, इतना खूबसूरत लगता है ना जब सांप ऐसे रेंगते हुए जाते हैं तो। और उसका सेप्स, ठीक है, उसका आकार देखो, उसका बॉडी का आकार देखो, वो कितने अलग अलग किस्म का बना रहा है। अब अलग अलग किस्म का कैसे बना रहा है, देखो, कभी वो ऐसे राउंड में हो रहा है, ठीक है, अपने आप को छुपाने के लिए, भागने के लिए, कभी वो इस तरह से ऐसे 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 मोड़ता है अपने आप को। कितने सारे शेप्स बनाते हैं ना, कितने सारे आकार लेते हैं वो लोग। तो पोइट कहते हैं कि देखो तो वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, तो पोइट यहाँ पे कहते हैं कि वो अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करता है, अपनी बॉडी को अलग अलग किस्म से भगाता है, अपनी बॉडी को अलग अलग आकार में लेकर आता है, ठीक है, और ग्लाइड्स करता है। ठीक है, और ऐसे ही आकार आकार में जाते जाते अपने बॉडी को आकार में लाकर क्या करता है, वो पानी में चला जाता है, मीन्स ग्लाइड कर देता है पानी में। क्या करता है, वो सरकते हुए चला जाता है। ठीक है, ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इन टू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट्स। देखो यहाँ पे पोइट सबसे पहले क्या कहते हैं, यहाँ पे रीड्स कहाँ गया, रीड्स। ठीक है, रीड्स का मतलब क्या होता है, रीड्स का मतलब होता है हरे बुशेस। ठीक है, अब हरे बुशेस जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को, ऐसे होते हैं, जैसे कि अब खास मुझे ड्राइंग बनाना नहीं आता फिर भी मैं बता रही हूँ। ठीक है, इस तरह का होता है कुछ ऐसे ऐसे पतले पतले जो होते हैं ना, इस तरह से जो बुशेस होते हैं ऐसे ऐसे, है ना, इस तरह से जिस शेप में होते हैं, उसे ही हम लोग ग्रीड्स रीड्स कहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे कहते हैं कि ठीक है, अरे यार छोड़ो ना, जाने दो उसे, क्यों उस छोटे से मतलब सांप के पीछे पड़े हुए। किसे कह रहा है, वो आदमी को कह रहा है, ठीक है, जो सांप के पीछे उसे मारने के लिए जा रहा है। तो वो कहता है ना, पोइट कहते हैं, ठीक है, उसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि ओ प्लीज ना उसे जाने दो यार, क्यों उस सांप के पीछे पड़े हुए, जाने दो उस सांप को उस पानी में, ठीक है, जाने दो, वो ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, स्मॉल एंड ग्रीन ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रेन। कहते हैं देखो यहाँ पे एक वर्ड है हार्मलेस। हार्मलेस का मतलब होता है नुकसान ना देने वाला। ठीक है, मतलब किसी को नुकसान ना पहुंचाता हो। तो हमारे जो पोइट कहते हैं कि देखो ना, ये कितना छोटा सा हरा रंग का, हरे रंग का क्या है, सांप है, कितना छोटा है वो, इतना छोटा है कि वो तो किसी एक मतलब बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो क्यों तुम उसके पीछे पड़े हो, उसे जाने दो, वो हरे रंग का जो सांप है कितना खूबसूरत है, कितना छोटा है, प्लीज उसे जाने दो, उसे नुकसान मत पहुंचा। पोइट यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं अलोंग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व्ड एंड ट्रेस्ड अवे एंड नाउ ही वैनिश्ड इन द रिपल्स अमोंग द ग्रीन स्लिम रिड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड बता दूंगी मैं, कि यहाँ पे मीन्स मीनिंग बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड है आपका सैंड। सैंड का मतलब होता है रेत। ठीक है, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है देखा गया हो या उसे देखना। ठीक है, ऑब्जर्व करना। उसके बाद है यहाँ पे है चेस्ट अवे, इसका मतलब होता है भगा देना। और ठीक है, और तो कुछ है नहीं ऐसा मीनिंग आप लोगों को बताने के लिए। तो पॉइंट यहाँ पे कहते हैं कि जब तक ना, जब तक उसे किसी ने देखा नहीं था,
ठीक है, मतलब जब तक उस सांप को किसी ने देखा नहीं था तब तक वो सांप कहाँ था? वो सांप एक ना रेत पर लेटा हुआ था, ठीक है। लेकिन अब जब उसे किसी ने देख लिया, ठीक है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए जो पानी की लहरें होते हैं ना, और हरे रंग के जो पतली पतली डंडे वाले जो बुशेस होते हैं, मैंने कहा था, उसके बीच में जाकर गायब हो जाता है। वैनिश, यहाँ पे है एक वर्ड, वैनिश। वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, ठीक है। तो पोइट कहते हैं कि वो क्या करता है, जब तक उसे कोई देखता नहीं है तब तक वो ना एक सैंड में, एक रेत पर लेटा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन जब उसे कोई देख लेता है वो क्या करता है, तुरंत अपने आप को बचाने के लिए एक हरे रंग का जो पतले पतले डंडे, अभी जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, ड्रॉ करके वैसे ही बुशेश के बीच में जाकर गायब हो जाता है, ठीक है। और फाइनली वो अपने आप को क्या करता है, बचा लेता है। तो इसी के साथ हमारा ये पोयम कंप्लीट हुआ। तो हमारे जो ये पोइट है ना, इससे पता चल रहा होगा कि वो कितने अच्छे थे, कितने दयालु थे, है ना। वो एक स्नेक के बारे में इतनी अच्छी बातें लिख देगी, किसी स्नेक को बिना मतलब का हार्म मत पहुंचा, है ना, किसी को भी ऐसे नुकसान मत पहुंचा जब तक आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। किसी भी स्नेक को देख के आप तुरंत मारने की कोशिश मत करो कि वो आपको मार ही डालेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप उसे हार्म नहीं पहुंचाओगे ना, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर स्नेक्स आपके पॉइजन्स वाले ही होते हैं। तो इसे आपको भी पता चल रहा होगा कि हमारे पोइट दयालु हैं, बहुत अच्छे हैं वो। उन्होंने इतना सोचा, तो अब उन्होंने इतना सोचा, उन्होंने हमें ये मैसेज देने के लिए, उन्होंने ये पोयम के थ्रू हमें ये मैसेज दे रहे हैं, एक पोयम लिखा। तो हमें भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए ना, हमें भी ऐसे किसी को देख कर, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक स्नेक की बात नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी एनिमल्स को ले लो, ठीक है। मैं ये बोलूँगी कि कोई भी एनिमल्स को ले लो आप, लेकिन जब तक कोई एनिमल्स आपको नुकसान ना पहुंचाए, आपको ऐसा फील ना हो कि वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, तब तक प्लीज़ आप उसे हार्म मत करो, ठीक है। हार्म मत पहुंचाओ बिल्कुल भी, क्योंकि वो भी क्या है, आप एक लिविंग थिंग्स है ना, उनके अंदर भी जान है, तो बिना मतलब का उन्हें भी मौत मत दो, ठीक है। तो यही है जो हमारे पोइट कहना चाहते थे। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग भी फॉलो करो, मैं भी करूँगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, कोई भी डाउट्स हो आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।